मैं तो चला अकेला, खुद ही गुरु खुद ही चेला, मैं किसी को चेला वगैरह नहीं बनाता हूँ। जो मेरे निकट है उनके प्रति शुभकामना स्वाभाविक है। मैंने कोई ऐसी भूमिका अदा नहीं की कि ये दोनों प्रधानमंत्री बने। मैं अध्यात्म मार्ग का एक पथिक हूँ, चमत्कार दिखाने में मेरा विश्वास नहीं है। चंद्रास्वामी क्या थे, इस सवाल का जवाब एक शब्द में देना उतना ही कठिन है जितना पानी से पानी पर पानी लिखना। एक प्रधानमंत्री से उनका इतना करीबी रिश्ता था कि मिलने के लिए कभी समय ही नहीं लेना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ एक प्रधानमंत्री की हत्या में संलिप्त रहने का आरोप भी उन पर लगा। वे सच में काली के उपासक थे, तांत्रिक थे, संत थे, भविष्यवक्ता थे, या फिर सत्ता के गलियारों में अपनी पहुंच बनाने के लिए उन्होंने ये चोला ओढ़ रखा था। असल में चंद्रास्वामी हर इंसान की नजर में अलग शख्सियत रहे। विरोधी उन्हें सत्ता का दलाल कहते थे, वहीं उनके अनुयायी उन्हें बेहद ताकतवर आध्यात्मिक गुरु मानते रहे। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप इस वक्त देख रहे हैं द चाणक्य। चंद्रास्वामी का जन्म साल 1948 में राजस्थान के अलवर जिले में हुआ था। यहाँ बहरोड़ कस्बे में रहने वाले साहूकार धर्मचंद जैन के 5 बेटों और 4 बेटियों में चंद्रास्वामी सबसे छोटे थे। बचपन में ही उनके पिता कारोबार के लिए हैदराबाद आकर बस गए। साहूकार पिता के घर में जन्मे नेमी चंद जैन ने बहुत कम वक्त में खुद को एक भविष्यवक्ता और दिमाग पढ़ने की ताकत रखने वाले तांत्रिक यानी कि चंद्रास्वामी के तौर पर मशहूर कर लिया था। सफेद लिबास, माथे पर एक बड़ा सा तिलक, लंबी दाढ़ी और गले में रुद्राक्ष की माला, ये उनके ट्रेडमार्क बन चुके थे। चंद्रास्वामी की नरसिम्हा राव से मुलाकात भी 70 के दशक में हैदराबाद में एक यज्ञ के दौरान हुई। दोनों की पहली मुलाकात जल्द ही दोस्ती में तब्दील हो गई थी। नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो उन्होंने युवा चंद्रास्वामी को हैदराबाद युवा कांग्रेस का महासचिव बना दिया। 1970 के दशक से ही वो बड़े और ताकतवर लोगों से संपर्क बनाने में जुट गए थे। चंद्रास्वामी जयप्रकाश नारायण से लेकर उस वक्त के कैबिनेट मंत्रियों, राज्यपालों और दिग्गज हस्तियों से ताल्लुक बना रहे थे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और बाद में राजीव गांधी तक चंद्रास्वामी की पहुंच भी जग जाहिर थी। 1975 में चंद्रास्वामी ब्रिटिश नेता मार्गरेट थैचर से लंदन में मिले थे। चंद्रास्वामी ने थैचर से मुलाकात के दौरान उन्हें पहनने के लिए ताबीज दिया था और भविष्यवाणी की थी कि एक दिन वो प्रधानमंत्री बनेंगी। बाद में जब थैचर सच में पीएम बनी तो वे चंद्रास्वामी की मुरीद बन गई थी। थैचर की वजह से चंद्रास्वामी ने कई और ताकतवर लोगों से रिश्ते बनाए थे। राजीव गांधी की हत्या के बाद 1991 में जब नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बने, तो इस दौरान चंद्रास्वामी ने दिल्ली के कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया में एक शानदार आश्रम बना लिया। बताया जाता है कि इस आश्रम की जमीन इंदिरा गांधी ने उन्हें दी थी। इस बात की कई कहानियां कहीं सुनी जाती हैं कि चंद्रास्वामी ने बड़े लोगों से रिश्ते बनाए, फिर इन रिश्तों की मदद से अपना काम निकाला। अप्रैल 1993 में चंद्रास्वामी की माता अशला देवी का निधन हुआ, जिनकी अंत्येष्टि में केंद्र सरकार के 12 कैबिनेट मंत्री, 8 राज्यों के सीएम समेत कई बड़ी फिल्मी हस्तियां शामिल हुई। कहा जाता है कि चंद्रास्वामी ने हॉलीवुड अभिनेत्री एलिजाबेथ टेलर को कोई दवा देकर पुरानी बीमारी से छुटकारा दिलवा दिया था। इसके बाद एलिजाबेथ भी उनकी शिष्या बन गई थी। उनके अनुयायियों में नेता और अभिनेता के साथ सऊदी अरब के हथियारों के सौदागर अदनान खगोशी, इराक के नेता सद्दाम हुसैन और माफिया डॉन दाऊद जैसे लोग भी शामिल थे। जब वो मेरे से मिले, निश्चित वो अस्त्र शस्त्र के व्यापार करते थे। मिलने के बाद धीरे धीरे मैंने उनका हृदय परिवर्तन किया। आज लगभग 10 वर्ष से उन्होंने कोई किसी तरह का अस्त्र शस्त्र का व्यापार नहीं किया है, अहिंसा में उनकी रुचि हुई है। इतने ताकतवर लोगों से संपर्क के चलते जल्द ही चंद्रास्वामी का नाम विवादों से घिर गया था। उनके एक ताकतवर धार्मिक नेता होने के बावजूद चंद्रास्वामी पर ब्लैकमेल करने, धोखाधड़ी करने, विवादित सौदे करने और विदेशी मुद्रा अधिनियम के उल्लंघन के आरोप लगे। चंद्रास्वामी पर हत्या जैसे गंभीर आपराधिक केस भी दर्ज हुए। 1980 और 90 के दशक में चंद्रास्वामी और विवादों का ये नाता गहरा होता चला गया। उनके धार्मिक नेता होने पर भी लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए।
चंद्रस्वामी पर कई गंभीर आरोप लगे, जिनमें सबसे बड़ा आरोप था चंद्रस्वामी का राजीव गांधी के हत्यारों से ताल्लुक होने का। साल 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस ने चंद्रस्वामी पर ये आरोप लगाया था। बाद में चंद्रस्वामी और हथियारों के सौदागर अदनान खगोशी के रिश्तों की भी जांच हुई थी। आरोप ये था कि चंद्रस्वामी ने खगोशी और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों के जरिए तमिल उग्रवादी संगठन लिट्टे को पैसे से मदद कराई थी। लिट्टे पर ही राजीव गांधी की हत्या का इल्जाम लगा था। उस वक्त के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव भी चंद्रस्वामी के मुरीद माने जाते थे, फिर भी दबाव के चलते उन्हें चंद्रस्वामी के खिलाफ जांच का आदेश देना पड़ा था। ईडी ने राजीव गांधी की हत्या की साजिश के लिए पैसे मुहैया कराने के मामले पर चंद्रस्वामी पर लगे आरोपों की भी जांच की थी। इनकम टैक्स विभाग ने चंद्रस्वामी के आश्रम पर छापेमारी भी की थी, जिसमें अदनान खगोशी को 1,10,00,000 देने के सबूत भी मिले थे। 1996 में पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में ही चंद्रस्वामी को गिरफ्तार भी किया गया था। नरसिम्हा राव का कार्यकाल खत्म होने के साथ ही चंद्रस्वामी की शोहरत का सितारा भी अस्त होने लगा था। उनके ऊपर तमाम आरोप लगे, वो गलत वजह से ही सुर्खियों में रहते थे। 90 के दशक के आखिर में जब देश में गणेश की मूर्ति के दूध पीने की अफवाह उड़ी, तो चंद्रस्वामी ने दावा किया था कि उनके तंत्र के बल पर ही गणेश प्रतिमाओं ने दूध पिया था। सुप्रीम कोर्ट ने जून 2011 में चंद्रस्वामी पर 9 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया था। 2014 में एक कारोबारी ने चंद्रस्वामी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई कि उनके आश्रम में उसके 3 करोड़ के जेवरात लूट लिए गए। 23 मई 2017 को चंद्रस्वामी का निधन हो गया। दूसरों का मस्तिष्क पढ़ लेने की क्षमता रखने वाले खुद चंद्रस्वामी की मौत का कारण भी मस्तिष्क आघात बना। ऐसी ही और सच्ची कहानियों के लिए द चाणक्य के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।